केरांग पोस्ट की इम्पोर्टेंस इस समय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर बहुत अहमियत रखती है। 1962 के अंदर चीन ने इसी केरांग पोस्ट के आसपास इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। यानी अगर आप देखें, इस चौकी की स्थापना 1962 में 3 और 6 गोरखा राइफल्स के द्वारा की गई थी और अन्य तैनातियाँ इस प्रकार रही। यानी उसके बाद का ये ब्रीफ दिया गया है। और अगर आप नीचे देखें, 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, -30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर लगातार हमेशा बना रहता है। और केरांग का जब इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये इसलिए क्योंकि भले ही ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लेकिन यहाँ पर चीन की नज़र बहुत लंबे समय तक रही है। और सिक्किम का इलाका, करीबन जो पूरा इलाका है 250 किलोमीटर की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इन इलाकों में चीन बहुत लंबे समय तक घुसपैठ करता भी आया है या कोशिशें करता है। पिछले साल भी जब हमने खास तौर पर स्टैंड ऑफ की सिचुएशन ईस्टर्न लद्दाख में देखी, तब इन्हीं एरियाज में लगातार चीन दोबारा से गतिरोध पैदा करने की कोशिश करता था। यानी चीन का शुरू से मकसद है कि ना सिर्फ अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के बल्कि सिक्किम को भी एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जोन बनाया जाए ताकि वो इसको लेकर भी सवाल खड़े कर सके और भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके। लेकिन 1962 से अब तक भारतीय सेना की ITBP की मुस्तैदी ने यह साबित कर रखा है कि हम अपने इलाकों में कितने कंसोलिडेट हैं, कितने ज्यादा मजबूत हैं।